अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 5 मैथ यूनिट 7 जो है ज्योमेट्री, इसकी एक्सरसाइज 7.2 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि आपको एक्सरसाइज की कंप्लीट समझ आ सके। तो चलिए एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हम कुछ डेफिनेशंस को पढ़ लेते हैं ताकि हमें एक्सरसाइज सॉल्व करने में आसानी रहे। तो सबसे पहले जो डेफिनेशन पढ़नी है वो है ट्राइंगल्स। डेफिनेशन ऑफ अ ट्राइंगल, अ ट्राइंगल इज अ सिंपल क्लोज्ड फिगर हैविंग थ्री साइड्स एंड थ्री एंगल्स। एक ट्राइंगल जो होती है उसकी तीन साइड्स और तीन एंगल्स होते हैं। ये देखें, एक साइड ये, एक ये, एक ये, और इसके तीन एंगल्स होते हैं, एक ए बी सी, ये एंगल्स हैं इसके। इन द गिवन ट्राई एंगल ए बी सी, ए बी सी आर द वर्सेस, ए बी सी ये जो कॉर्नर इसके जो हैं ये वर्सेस कहलाते हैं। ए को वर्टेक्स बोलते हैं और ज़्यादा हो तो इसको वर्सेस बोलते हैं। ए बी बी सी एंड सी ए आर द थ्री साइड्स। ए बी ये वाली एक साइड है, ए बी, एक बी सी साइड है और एक सी ए साइड है, तो इसकी थ्री साइड्स हैं। थ्री एंगल्स आर एंगल ए बी सी, ए बी सी एक एंगल ये है, एंगल बी सी ए एक ये है, बी सी ए वाला एंगल, एंड एंगल बी ए सी, बी ए सी ये एक एंगल है। द सिंबल यूज फॉर अ ट्राई एंगल इज दिस, ये सिंबल जो है ये ट्राई एंगल के लिए है। सो ट्राई एंगल ए बी सी मीन्स ट्राई एंगल ए बी सी। That triangle can be written in any one of six ways as ABC, CBA, BAC, CAB, BCA and ACB। इसको कैसे कहेंगे? ABC ये वाली ABC, फिर CBA, CBA, BAC, BAC या CAB, CAB, बी सी ए, बी सी ए, ए सी बी, ए सी बी। इसको छः तरीके हैं लिखने के ट्राइंगल को। इट मे बी नोटेड दैट द ऑर्डर ऑफ द वर्सेस डज नॉट मैटर वाइल राइटिंग द नेम ऑफ अ ट्राइंगल। रिमेंबर दैट द नंबर ऑफ एंगल्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। एक ट्राई एंगल में नंबर ऑफ एंगल्स और नंबर ऑफ साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं, दोनों इक्वल होती हैं। इसकी साइड्स भी तीन हैं और एंगल्स भी इसके तीन ही हैं। इसके बाद डेफिनेशन ऑफ ट्राई एंगल विद रिस्पेक्ट टू देयर साइड्स। साइड्स के लिहाज से हमने डेफिनेशंस पढ़ने हैं ट्राई एंगल की। इक्विलेटरल ट्राइंगल, एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज अ ट्राइंगल इन विच ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। ये जो ट्राइंगल है इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसमें तीनों साइड्स क्या हैं? इक्वल हैं। ये थ्री साइड्स इसमें क्या हैं? इक्वल, ये ये ये, ये तीनों साइड्स क्या हैं? इक्वल हैं। द ट्राइंगल गिवन ऑन द राइट साइड इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल बिकॉज इट्स ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल, क्योंकि इसमें तीनों साइड्स इसकी क्या हैं? इक्वल हैं। मेजर ए बी, ये जो लेंथ है ए बी ये वाली, बी सी ये वाली, सी ए ये वाली, ये तीनों क्या हैं? इक्वल हैं। इसके बाद आइसोसेलेस ट्राइंगल, एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज़ अ ट्राइंगल इन विच एनी टू साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। यानी कि आइसोसेलेस ट्राइंगल जो है उसमें टू साइड्स इक्वल होती हैं, एक ये साइड्स है, एक ये है,
ये दोनों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। द फिगर ऑन द राइट साइड इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी बिकॉज इट्स टू साइड्स आर इक्वल इन लेंथ है। मेजर ए बी इक्वल मेजर ए सी, ए बी और ए सी दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। इसके बाद स्केल इन ट्राइंगल, अ स्केल इन ट्राइंगल इज अ ट्राइंगल इन विच ऑल द साइड्स आर ऑफ डिफरेंट लेंथ्स। स्केलिन ट्राइंगल जो होती हैं इसमें जो साइड्स होती हैं तीनों ही वो क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं, यानी कि इनकी लेंथ डिफरेंट होती है। द फिगर ऑन द राइट साइड इज द स्केलिन ट्राइंगल बिकॉज नन ऑफ इट्स साइड इज इक्वल इन लेंथ टू एनी अदर साइड, यानी कि तीनों साइड्स की लेंथ इक्वल नहीं होती, तीनों साइड्स की लेंथ डिफरेंट होती है। मेजर पी क्यू, पी क्यू क्यू आर ये वाली एंड पी आर ये आर नॉट इक्वल, यानी कि तीनों साइड इक्वल नहीं है। इसके बाद डेफिनेशन ऑफ ट्राइंगल्स विद रिस्पेक्ट टू देयर एंगल्स। अब एंगल्स के लिहाज से हमने डेफिनेशंस पढ़नी है ट्राइंगल की। एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल, एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल इज अ ट्राइंगल विद ऑल द थ्री एंगल्स आर एक्यूट एंगल्स। क्यूट एंगल्स का मीनिंग क्या है, लेस देन 90, इनकी इसमें तीनों एंगल्स क्या होंगे, लेस देन 90 डिग्री होंगे। एक्यूट एंगल ट्राइंगल जो है इसमें तीनों एंगल्स 90 से लेस होंगे, इसलिए इसको पढ़ेंगे एक्यूट एंगल ट्राइंगल। इन द फिगर ऑन द राइट साइड इज एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल बिकॉज इट्स ऑल थ्री एंगल्स आर एक्यूट। ये जो एक्यूट एंगल ट्राइंगल दिखाई गई है इसमें तीनों एंगल्स क्या हैं, लेस देन 90 डिग्री हैं। इसके बाद ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, एन ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल इज अ ट्राइंगल विद वन ऑब्ट्यूज एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री, यानी कि इसमें एक एंगल जो होगा वो ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा, तो उसको कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ये देखें ये 120 डिग्री है ना, क्योंकि ये 90 से ग्रेटर है। ट्राइंगल एबीसी इज एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बिकॉज इट्स वन एंगल इज ऑब्ट्यूज एंगल। मेजर एंगल बी, ये जो एंगल बी है इक्वल है 120 डिग्री ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो इसलिए इसको ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल कहेंगे। वी नो दैट नो ट्राइंगल कैन हैव मोर देन वन ऑब्ट्यूज एंगल बिकॉज अ ट्राइंगल मस्ट हैव द सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स एज 180 डिग्री, यानी कि एक से ज़्यादा इसमें 90 से ग्रेटर एंगल नहीं हो सकते, क्योंकि इन ये जो तीनों एंगल्स होते हैं इनका सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री। अब है राइट एंगल ट्राइंगल, अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल इज़ अ ट्राइंगल इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री। ये जो राइट एंगल ट्राइंगल होती है इसमें एक एंगल जो होता है वो होता है 90 डिग्री। इन द गिवन फिगर ट्राइंगल ए बी सी इज़ अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल बिकॉज इट्स वन एंगल बी इज़ अ राइट एंगल। ये जो बी है एंगल ये है राइट एंगल, क्योंकि मेजर एंगल बी इक्वल 90 डिग्री। ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो उसे कहते हैं राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ये डेफिनेशंस आपने याद रखनी है। अब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन वन है कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग ट्राइंगल्स, ये हमने कंस्ट्रक्ट करनी है ट्राइंगल्स। तो पार्ट वन है मेजर ए बी इक्वल 6 सेंटीमीटर, मेजर बी सी इक्वल टू है 4 सेंटीमीटर, मेजर सी ए इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो ये लाइन सेगमेंट दिए हुए हैं, इसको यूज़ करते हुए हमने ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करना है। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर वन पार्ट नंबर वन,
सबसे पहले हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, उसके बाद हम डायग्राम भी साथ साथ ड्रा करते जाएंगे। एक स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, उसके बाद उसका डायग्राम को ड्रा करेंगे। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, स्टेप वन, ड्रा अ लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे जो क्या है 6 सेंटीमीटर। ये हमने 6 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट ड्रा कर लिया। लाइन सेगमेंट क्या है, ये ए है, ये बी पॉइंट है, ये 6 सेंटीमीटर है। इसके बाद स्टेप नंबर टू, टेक ए एज सेंटर, ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर ओवर ए बी। ए को सेंटर कंसीडर करना है और 5 सेंटीमीटर की आर्क ड्रा करनी है। यहाँ पे हम मेटल पॉइंट को रखेंगे 0 पे और पेंसिल जो टिप है इसको 5 पे रखेंगे, तो ये 5 सेंटीमीटर आ गई। ए को हमने सेंटर कंसीडर करना है और 5 सेंटीमीटर की आर्क ड्रा करनी है। ये होगी आर्क ड्रा। इसके बाद स्टेप नंबर 3, टेक बी एज सेंटर, ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर ओवर ए बी। विच कट्स द फर्स्ट आर्क एट पॉइंट सी। एक हमने आर्क ड्रा करनी है बी को सेंटर मानते हुए 4 सेंटीमीटर की, जो सी को कट करेगी। कितने सेंटीमीटर की है, 4 सेंटीमीटर की। तो मेटल टिप को 0 पे रखेंगे और पेंसिल टिप को 4 पे, तो ये 4 सेंटीमीटर की आर्क ड्रा करनी है बी को सेंटर रख के। ये होगी इसको सी पॉइंट का नाम देने। इसके बाद स्टेप नंबर 4, ज्वाइन ए विद सी एंड बी विद सी 1 बाय 1
ए को सी के साथ मिलाना है, ए को सी के साथ मिला दिया, फिर बी को सी के साथ मिला देना है। ये 5 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है। दस ट्राइंगल ए बी सी इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। तो ये पार्ट वन कंप्लीट हो गया। इसके बाद है पार्ट टू, मेजर पी क्यू इक्वल है 4.5 सेंटीमीटर, मेजर क्यू आर इक्वल टू है 5 सेंटीमीटर, मेजर पी आर इक्वल टू है 4.5 सेंटीमीटर। तो इसको हम ड्रा करेंगे, पी क्यू ये आ जाएगा 4.5 सेंटीमीटर। इसको पहले लाइन सेगमेंट ड्रा कर लेंगे। पार्ट टू स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, स्टेप नंबर वन, ड्रा अ लाइन सेगमेंट पी क्यू इक्वल 4.5 सेंटीमीटर। लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे 4.5 सेंटीमीटर। ज़ीरो से 4.5 तक लाइन ड्रा की, यहाँ तक ये आ गया पी, ये क्यू, 4.5 सेंटीमीटर। इसके बाद स्टेप नंबर टू, टेक पी एज सेंटर, ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर ओवर पी क्यू। पी को हमने सेंटर कंसीडर करना है और 4.5 सेंटीमीटर की रेडियस की आर्क ड्रा करनी है। ये 4.5 मेटल टिप को ज़ीरो पे रखेंगे और ये 4.5 पी पे हम किसको आर ड्रा करेंगे। इसके बाद स्टेप नंबर थ्री, टेक क्यू एज सेंटर, ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर ओवर पी क्यू विच कट्स द फर्स्ट आर्क एट पॉइंट आर। अब 5 सेंटीमीटर की आर्क ड्रा करनी है।
जीरो पे मेटल टिप को रखेंगे और पेंसिल टिप को 5 पे। क्यू पे आर्क ड्रा कर देंगे 5 सेंटीमीटर। इसको हम इरेज कर देंगे। स्टेप नंबर 4, जॉइन पी विद आर एंड क्यू विद आर 1 by 1। इसको आर का नाम दे लें, आर पॉइंट है। पी को आर के साथ ज्वाइन कर देना है। पी को आर के साथ ज्वाइन कर दिया। क्यू को भी आर के साथ ज्वाइन कर देना है। तो ये है 4.5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर पार्ट 2। दस ट्राइंगल पी क्यू आर इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। तो ये पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। इसके बाद पार्ट नंबर 3 है, मेजर LM लाइन सेगमेंट है 5 सेंटीमीटर, मेजर MN लाइन सेगमेंट है 4.5 सेंटीमीटर और मेजर LN सेगमेंट है 4 सेंटीमीटर। तो इसको हमने ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी है। 5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रा करते हैं। सबसे पहले LM, पार्ट नंबर 3, 5 सेंटीमीटर ये 5 सेंटीमीटर आ गया। LM 5 सेंटीमीटर। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, स्टेप नंबर 1, ड्रा अ लाइन सेगमेंट LM 5 सेंटीमीटर। इसके बाद स्टेप नंबर 2, टेक L एज सेंटर ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर ओवर LM। L को हमने सेंटर कंसिडर करना है और 4 सेंटीमीटर रेडियस की आर्क ड्रा करनी है LM पे। 4 सेंटीमीटर की क्यों ड्रा की है, ये देखें, ये 4 सेंटीमीटर है ना L पे LN, इनकी L को सेंटर मानेंगे और 4 सेंटीमीटर की, फिर M को सेंटर मानेंगे और 4.5 सेंटीमीटर रेडियस की आर्क ड्रा करेंगे। फोर सेंटीमीटर ये 4 सेंटीमीटर आर्क
आ गई एल को सेंटर कंसीडर करके। इसके बाद स्टेप नंबर थ्री, टेक एम एज सेंटर, ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर ओवर LM, which cuts the first arc at point N. अब 4.5 सेंटीमीटर की आर्क ड्रा करनी है। ये है 4.5। एम को सेंटर कंसीडर करके 4.5 सेंटीमीटर की आर्क ड्रा की। ये एंड पॉइंट आ गया। अब स्टेप नंबर फोर, जॉइन एल विद एन एंड एम विद एन वन बाय वन। वन बाय वन इनको जॉइन कर देंगे। ये ज्वाइन होगी, ये है 4 सेंटीमीटर, ये है 4.5 सेंटीमीटर। ये पार्ट थ्री है, इसको लिखेंगे 10 ट्राइंगल एल एम एन इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। ये पार्ट थ्री कंप्लीट हो गया। पार्ट फोर है, ए बी 5 सेंटीमीटर, बी सी 6 सेंटीमीटर, सी ए 4.5 सेंटीमीटर। तो इसको ड्रॉ करते हैं। पार्ट फोर, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। स्टेप नंबर वन, इसमें लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे हम, ये वाला, ये 6 सेंटीमीटर है ना सबसे बड़ा, ये देखें 5 सेंटीमीटर है, ये 6 है, ये 4.5 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे सबसे पहले, बेस जो है। ड्रा अ लाइन सेगमेंट बी सी इक्वल 6 सेंटीमीटर। ये 6 सेंटीमीटर ड्रा किया बी सी। इसके बाद स्टेप नंबर टू, टेक बी
सेंटर, ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर ओवर BC. ये BC है ना, तो BE को सेंटर कंसिडर करना है और 5 सेंटीमीटर रेडियस की आर्क ड्रा करनी है। ये 5 सेंटीमीटर रेडियस की आर्क ड्रा करेंगे। इसके बाद स्टेप नंबर 3, टेक सी एज सेंटर, ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर ओवर BC. Which cuts the first arc at point A. CE को सेंटर कंसीडर करना है और 4.5 सेंटीमीटर की आर्क ड्रा करनी है। ये 4.5 सेंटीमीटर आ गया। ये ए पॉइंट आ गया। अब स्टेप नंबर 4, जॉइन बी विद ए एंड सी विद ए 1 by 1, thus triangle ABC is the required triangle. को जॉइन कर देंगे। ए और सी को जॉइन कर देंगे। ये 5 सेंटीमीटर है और ए सी है 4.5 सेंटीमीटर। तो ये पार्ट 4 कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 5 सॉल्व करेंगे। मेजर पी क्यू इक्वल टू है 6 सेंटीमीटर, मेजर क्यू आर इक्वल टू है 4 सेंटीमीटर, मेजर पी आर है 5 सेंटीमीटर। तो सबसे बड़ी जो लाइन सेगमेंट है वो है पी क्यू, तो ये 6 सेंटीमीटर को लाइन सेगमेंट को ड्रा करेंगे। पार्ट नंबर 5, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन।
स्टेप नंबर वन, ड्रा अ लाइन सेगमेंट पी क्यू 6 सेंटीमीटर। यह पी, ये क्यू, 6 सेंटीमीटर। इसके बाद स्टेप नंबर टू, टेक पी एज सेंटर, ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस फोर सेंटीमीटर ओवर पी क्यू। 4 सेंटीमीटर रेडियस की आर्क ड्रा करेंगे। फोर सेंटीमीटर पी पे रख के 4 सेंटीमीटर। इसके बाद स्टेप नंबर थ्री, टेक क्यू एज सेंटर, draw an arc of radius 4 सेंटीमीटर। पी पे हमने 5 सेंटीमीटर की रेडियस की आर्क ड्रा करनी है और क्यू पे हमने 4 सेंटीमीटर रेडियस की आर्क ड्रा करनी है। ओवर पी क्यू विच कट्स द फर्स्ट आर्क एट पॉइंट आर पी पे हमने 5 सेंटीमीटर रेडियस की आर्क ड्रा करनी थी। इसको हम अरेज कर देते हैं। पी पे 5 सेंटीमीटर रेडियस की आर्क और क्यू पे 4 सेंटीमीटर की। क्यू पे 4 सेंटीमीटर। इसके बाद स्टेप नंबर फोर, ज्वाइन पी विद आर एंड क्यू विद आर 1 by 1, 10 triangle PQR is the required triangle.
इसको आर पॉइंट का नाम देंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे पी के साथ भी और क्यू के साथ भी। ये हमने ज्वाइन कर दिया, ये है 5 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर रेडियस की। तो ये पार्ट नंबर 5 कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 6, मेजर LM इक्वल है 6 सेंटीमीटर, मेजर MN इक्वल है 4 सेंटीमीटर, मेजर NL है 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम 6 सेंटीमीटर लॉन्ग जो लेंथ है इसका ड्रा करेंगे। पार्ट नंबर 6, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। स्टेप नंबर 1, ड्रा अ लाइन सेगमेंट। LM इक्वल 6 सेंटीमीटर, सबसे बड़ी लेंथ जो है 6 सेंटीमीटर है, इसलिए इसको ड्रा करेंगे। पार्ट नंबर 6, ये L, ये M, 6 सेंटीमीटर। स्टेप नंबर 2, टेक L एज सेंटर, draw an arc of radius 5 centimeter over LM. फाइव सेंटीमीटर क्यों ली, ये है ना NL, तो L पे ड्रा करेंगे ना 5 सेंटीमीटर रेडियस की आर्क, M पे ड्रा करेंगे 4 सेंटीमीटर की। L पे 5 सेंटीमीटर की, एल पे 5 सेंटीमीटर रेडियस के आर्क ड्रा कर दी। स्टेप नंबर 3, टेक एम एज सेंटर, ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर ओवर LM विच कट्स द फर्स्ट आर्क एट पॉइंट N, 4 सेंटीमीटर रेडियस की आर्क ड्रा करनी है M पे, जो कट करेगी फर्स्ट आर्क को एन पॉइंट पे।
एम को सेंटर कंसीडर करके 4 सेंटीमीटर रेडियस के आर्क ड्रा की, जो फर्स्ट आर्क को कट की है एंड पॉइंट पे, इसको एंड पॉइंट का नाम दे देंगे। इसके बाद स्टेप नंबर 4, ज्वाइन एल विद एन एंड एम विद एन वन बाय वन, दस ट्राइंगल एल एम एन इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। इनको ज्वाइन कर देंगे। ये ज्वाइन होगी, ये है 5 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर, तो ये पार्ट 6 की ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट होगी। तो ये पार्ट 6 कंप्लीट हो गया, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया। अगर आपको इस एक्सरसाइज में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लाजमी करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।